गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं जो है उठ गई हूँ आज टाइम से। और कल 4 दिसंबर था, मैं शादी में गई थी और काफ़ी देर हो गया था मुझे लौटने में। और मेरे हेड में बहुत पेन हो रहा था, फिर भी एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसको कॉल कर रही थी कल, मुझे उससे बात करना था, मैं उसको वेट कर रही थी फ़ोन का, लेकिन उसने फ़ोन नहीं किया। आई मिस यू सो मच कि, और फ़ोन पता नहीं क्यों नहीं उठाया उसने। आई थिंक वो कोई प्रॉब्लम में ना हो, बस मैं ये सोचती हूँ। और मेरी फ्रेंड है, ओबियसली मेरी उसको थोड़ी सी चिंता करती हूँ ज़्यादा, मुझे ये लगता है। और मेरे फ्रेंड्स होते ही ऐसे हैं, और देखती हूँ उसको बात करने का मन होगा तो वो ज़रूर कॉल करेगी, वरना मैं भी कभी बिजी होने की वजह से बात नहीं हो पाई थी। और अब मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने मॉर्निंग में, और अपना चाय पीने म्यूजिक के साथ। और म्यूजिक जो है सुबह मेरा रूटीन है कि मैं सुबह म्यूजिक ज़रूर सुनूँ। मैंने 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ गुनगुना, और चाय के साथ मेरी दिन की ये शुरुआत। चाय आई थिंक जो है, भैया आप कहीं और भी सफाई कर लो, बरामदे में कर लिया आपने? नहीं। तो पहले बरामदे में कर लो। मैं चाय पी रही हूँ, आप थोड़ी देर उधर कर लो डस्टिंग। चाय बहुत अच्छी बनाए हो बेटा, थैंक यू सो मच। सारे गमले को वॉश। अच्छा ये आप ना तार बचा के डाला करिए प्लीज, नहीं है ना सारा वो गमला एक साइड में कर दीजिएगा। तो आज सोच रही हूँ जाऊंगी वहां पे तो नए प्लांट लेके आऊंगी, ठीक है। और इसमें भी पानी डाल दीजिएगा, ये सब में भी तो खराब हो गए हैं। चलो ठीक है, जम रहे, ठीक है, ओके। और मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी इवनिंग के लिए, क्योंकि मुझे शाम को भी शादी में जाना है। और हमारे बगल में सीएमओ साहब शिफ्ट हुए हैं, तो मटर पनीर की सब्जी मैं बना रही हूँ। और मटर पनीर की सब्जी बना के मैं उसमें ज़रूर ये डालती हूँ, आप कुछ भी डालिए, मैं दिखाती हूँ। सब्जा है, सब्जा को मैंने जो है बारीक मिक्सी में चला दिया, आप थोड़ा सा पिंच आओ वेजिटेबल्स में आप डालो। ये काफ़ी मतलब फाइबर भी होता है और काफ़ी हेल्दी होता है, तो मटर पनीर मैं भी कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो ज़रूर डालती हूँ, तो इससे काफ़ी टेस्टी बनता है और ये हेल्दी भी होता है। आप कर्ड में किसी में भी डाल के, सब्जा वेट लॉस के लिए होता है, तो आई थिंक बेटर नाउ। में मैं सूप भी पी रही हूँ, और होममेड सूप मैंने तैयार किया है, गाजर चुकंदर, और देख सकते हैं इसका कलर। और विंटर में हेल्दी चीज़ें खाइए, गाजर चुकंदर और टमाटो सूप है, इसमें लहसुन अदरक जो भी आप डालना चाहो हेल्दी। और सब्जी मेरी रेडी हो रही है सूप पी के, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी जाने के लिए।
मैं फटाफट काम कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी टेंशन हो रही है क्योंकि शाम के 6 o'clock हो रहे हैं और उसके बाद मुझे रेडी भी होना है, अभी कपड़े उपड़े निकालने हैं। आपको इवन और जाम भी बहुत लग रहा है, गाजियाबाद में शादी है तो समझिए कि आपको 1.5 घंटे पहले निकलना है। और सब्जी आई थिंक मेरी रेडी हो गई है, काफ़ी कलर चेंज हो गया है। और सब्जी का भी मैं ट्रिक बताऊंगी, सब्जी में मैं मसाले में अक्सर जो अगर थोड़ा सा टुकड़ा मसाले में पीस दो तो उससे क्या होता है कलर चेंज हो जाता है सब्जी का, और हेल्दी भी है प्लस चुकंदर खाना भी चाहिए। बहुत लोगों को पसंद नहीं है तो बच्चों के लिए मैं तो अपने मतलब घर में इवन पूरे विंटर ये काम चलता है, एक गाजर और एक चुकंदर का एक पीस और टमाटर प्याज के साथ पीस करके आप मसाले में डाल दो तो कलर बहुत अच्छा सा आता है और देन हेल्दी भी है। और प्लस जो है आपको अलग से वो कलर वाली मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने देखी परसों मेहंदी लगवाई थी, मेहंदी का था तो मेहंदी की तो हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि आपको इतना काम होता है घर में और इवन मुझे भी काम होता है। और सब्जी देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है, तो सब्जी तैयार हो गई, अब खाने वाला बताएगा अच्छा बनाएगी नहीं। और मैंने CMO साहब की फैमिली को इनवाइट किया है, जस्ट आज ही शिफ्ट हुए तो मैंने कहा नहीं खाना खा के ही जाना। काम है ये पल्लू बना सेट करना और जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि इसको कैसे सेट किया जाए, और जब आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड ना हो तो आप अपना ही दिमाग चलाते रहो। माई मेकअप इज डन, काफ़ी ब्राइट लाइट सा मेकअप किया है यार, बहुत अजीब सा थक गई हूँ। मेरा मेकअप करीब कभी कम्प्लीट हो गया है, कान में मैंने इयररिंग्स डाली और बहुत लाइट मेकअप में करती हूँ, मतलब मेकअप में सिर्फ मुझे काजल ज़्यादा पसंद है और लिपस्टिक आप समय लाइट ही लगाओ क्योंकि मास्क में आपका वो पूछ जाएगा। तो बस मैं हल्का फुल्का मेकअप और सोची कोई बिंदी लगा लूँ, छोटी सी बिंदी येलो कलर की लगा ली है और वो मेरी स्किन में ही लग रहा है मैच हो गई है, लेकिन ठीक लग रहा है। इतना आपकी स्किन से मैच करे ना वही मेकअप करना चाहिए, ऐसा भी ना कर लो कि आपके रूज अलग से, बहुत से देखे हैं कि बिल्कुल रूज पे ऐसे चीक्स पे रेड रेड लगा लेंगे या स्किन एकदम वाइट कर लेंगे और गले का बिल्कुल अलग हो जाएगा कलर, तो वैसे नहीं करना चाहिए। और लाइक मेरी तरह और देखो आप ग्लो कर रही है स्किन। और सानी फंक्शन का ये रहता है कि आप कुछ भी पहनो कूल। मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और मेकअप मेरा बहुत लाइट है और मैं भी बहुत लाइट ड्रेस पहनी हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी सालों बाद ये पहना है लहंगा, मैंने कहा आज इसको यूज़ कर ही लेती हूँ। की रोटी शादी में मजा आ गया ये खा के ना, इतना मीठा खाने के बाद क्या होगी हम लोग की हालत देख रहे हो, तीनों मैंने खा ला, इतना सारा मीठा खाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, खा लेती। ये गुड़ वाला रसगुल्ला है ना, ये गुड़ वाला रसगुल्ला और ये होटल का मालिक जो है परिचित निकला और वो एकदम पीछे ही पड़ गया था और ये इतना सारा हम लोगों ने कल स्वीट खाया कि हालत ख़राब थी और सोचो कि क्या होने वाला था, कितना पेट बढ़ेगा ये मुझे नहीं पता है। और एकदम वो पीछे पड़ गया था, कह रहा है कि भाई आप और खा लो पीछे ही खड़ा था, हमने कहा बा ये भी मेरे ब्लॉग में आ रहा है। और और अगर मेरी वीडियो प्लीज़ आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और ये इनके फ्रेंड है, उन्हीं के शादी है तो हम कहीं से लौट के आओ तो अपने चेहरे का मेकअप उतारना मत भूलिए। और मैंने तो बहुत लाइट मेकअप किया था पर फिर भी आपको रिमूवर से अपना फेस क्लीन करना चाहिए, और कोई भी रिमूवर हो आपके पास, मेरे पास तो ये गार्नियर है तो मैं इस नाइट के 1 o'clock हो रहे हैं और अच्छे से रिमूव करिए। रिमूव करने के बाद कोई भी ऑयल लगाइए अपने स्किन पे अच्छा सा, और उसके बाद आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं
और VLCC का या देन स्क्रब, तो आप इसको फेस वॉश जरूर करिए। और फेस वॉश के बाद और चेहरे को टैप 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 करके जो स्किन को ड्राई करेंगे। और आप कोई भी आपके पास हो टोनर, तो मैंने तो गुलाब जल अपने फेस पे लगाया है, मामा अर्थ का विटामिन सी सीरम लगा लीजिए वो फेस पे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, वन ड्रॉप इतना सारा, और इसको टैप 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 करके आप स्किन पे बहुत लाइट वेट से हल्का हल्का सा क्योंकि आप इतना मेकअप से रिमूव करके स्किन आपकी थोड़ी सी डल हो जाती है, तो आप विटामिन सी सीरम लगा सकते हो हल्का सा, इसको भी टैप 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 5 मिनट्स या 2 मिनट्स के लिए हल्का सा रब करें और बहुत लाइट हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाए, ये थोड़ा ड्राई सा हो जाए। अब जो है कोई भी ऑयल लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, और ये मैं कुमकुम आदि का ऑयल है, और ये ऑयल स्किन में इसको लगाइए, या आप जॉनसन बेबी ऑयल लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, या नाइट क्रीम जो आपको प्रेफर हो आप अपनी स्किन पे लगाइए। प्लम का लगाऊंगी, और क्योंकि आई थिंक मेरी स्किन अभी इस समय मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है, ड्राई ज़्यादा नहीं है, तो मैं प्लम का लगा रही हूँ। वैसे आप कोई भी और भी लगा सकते हैं, मेरे पास एक और है नाइट क्रीम O3 का, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है O3 प्लस का, तो अभी मैं जस्ट एलोवेरा है तो काफ़ी अच्छा लगता है इसको लगा के, मतलब स्किन में एक स्मूथनेस ही आ जाती है बस, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किन को ड्राई कर लीजिए और सो जाइए। गुड नाइट, बाय बाय।